हे एवरी वन माई नेम इज़ डॉली जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं चीले की रेसिपी आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगी अगर अच्छा बना तो बाय चांस चीला बहुत अच्छा बना था तो मैं हाज़िर हूँ आज आपको चीले की रेसिपी के साथ मॉर्निंग का टाइम तक क्लीनिंग कर ली थी तो उसके बाद मैंने ऑयल डिफ्यूज़र लगा दिया था तो एक्चुअली क्लीनिंग वगैरह कर लो ना उसके बाद ऑयल डिफ्यूज़र लगाओ उसकी जो खुशबू आती है और मन पहले से शांत होता है क्योंकि क्लीनिंग पार्ट हमारा डन हो चुका होता है तो अच्छी वाइप्स आने लगती हैं मॉर्निंग में तो जी यहाँ आ गई थी मैं फटाफट से किचन में टाइम हो रहा था पौने सात का क्लीनिंग करते करते इतना टाइम हो गया था बेटे को जाना था स्कूल तो यहाँ मैं फटाफट से कर लेती हूँ चीला बनाने की तैयारी तो चीले में मैंने जैसे आपको बोला था वेजीज़ अच्छी लगती है तो अभी वेजीज़ में नहीं ला पाई थी यहाँ पे मैं अनियन टोमेटो एंड एक आलू और हरी मिर्च और धनिया ही ऐड कर रही हूँ बट इन फ्यूचर ज़रूर वेजीज़ के साथ ट्राई करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी तो अनियन कट करने के बाद बारी आती है टमाटर की टमाटर का जो सीड्स वाला पार्ट होता है वो मैंने रिमूव कर दिया है आ, मुझे लगा कि शायद नहीं अच्छा लगेगा उसमें इसीलिए इसके बाद मैंने बहुत महीन महीन बारीक बारीक सा टमाटर कट कर लिया था प्याज मैं ऑलरेडी कट कर चुकी थी इसके बाद मैंने जो आलू वगैरह थे वो सब ग्रेट आलू जो था मैंने ग्रेट करके डाला था बाकी सब चॉप करके डाला था यहाँ मैं धनिया चॉप कर रही हूँ और धनिया के बाद मैंने एक मिर्ची चॉप करके रख ली थी बेटे के चीले में नहीं डाली थी क्योंकि वो स्पाइसी नहीं बिल्कुल भी पसंद करता है तो जी ये जो मिर्ची है वो मेरे और हस्बैंड के काम आएगी इसको मैं जब बैटर बनाऊंगी तो उस टाइम नहीं डालूंगी जब बेटे के लिए चीले रेडी हो जाएंगे लंच बॉक्स के लिए उसके बाद डालूंगी तो जी एक बड़ा आलू लिया था जो कि मैंने जब इसको पील करके रख लिया था बट जब ये देखिए सात बजने में अभी भी पाँच मिनट बाकी हैं बेटा निकलेगा सवा सात या सात बीस तक ये निकल गया था ख़राब तो इसके बाद मैंने दो छोटे छोटे छु� आलू लेकर उनको ग्रेट कर लिया था कहते हैं ना मॉर्निंग में एक तो टाइम वैसे ही कम था और ऊपर से आलू वगैरह बीच बीच में ख़राब निकल जाते हैं ना तो बहुत गु़स्सा आती है कि पहले हम एक बार मेहनत करते हैं फिर उसके बाद दोबारा से मेहनत दोबारा करनी पड़ जाती है बस वही होता है कि मॉर्निंग में टाइम थोड़ा सा कम होता है हमारे पास तो जी यहाँ पर आ, मैं जो है जो सूखी चीज़ें मैंने अब चीले में डालनी है वो सब मैं निकाल करके तैयार करके रख रही हूँ ये रहा बेसन अच्छा मैंने मेरे चीले बने थे करीब छः तो यहाँ पे ये जो स्पून आप देख रहे हैं ये करीब आठ स्पून बेसन मैंने इसमें ऐड किया था और इसमें मेरे बड़े बड़े छः चीले बन के रेडी हो गए थे स्वादानुसार डाल लेंगे नमक हमारे यहाँ थोड़ा सा कम खाया जाता है तो थोड़ा कम डाला है ये रही अजवाइन ये पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है और दो तीन पिंच के करीब मैंने डाल दिया था गर्म मसाला फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इन सब चीज़ों से निकल कर ट्राई मैंने भी पहली बार किया था इससे एक रात पहले ये मैं दूसरी बार ट्राई बना रही हूँ नाइट में अच्छे बन गए थे तो मॉर्निंग में तो जैसे बेटे ने बोला था चीला लेकर जाना है तो वही फिर मॉर्निंग में मुझे बना करके देने थे ये सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्ब ना पड़े लम्स पड़ जाएंगे तो फिर जब बेसन का बैटर जब हम पतला करेंगे तो वो लम्ब फिर गायब करना बहुत दिक्कत हो जाएगी इसलिए जब बैटर गाढ़ा है तभी हम लम्ब को फटाफट से राउंड राउंड करके चम्मच से दवा दबा कर करेंगे तो नहीं पड़ते हैं लम्स ये मैंने बैटर को पतला कर लिया है इससे अभी मैं और पतला करूंगी ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है फिर इस समय अब मैं इन सब में मिला दूंगी वेजीज़ वगैरह तो यहाँ पे मैंने अनियन डाल दिया मिर्च डालने वाली थी बट ध्यान आया नहीं बेटा तो खाएगा नहीं मिर्च मैंने छोड़ दिया था अब मैंने डाल दिए हैं जो ग्रेट करके रखे हुए थे पोटैटो तो ये सब मैं फिर इसके बाद एक अच्छा सा मिक्स इसमें सब में देखी कि मतलब असल में देखने में तो बड़ा कलरफुल सा निकल के आया था अच्छा लग रहा था शायद वीडियो में उतना नहीं आया है तो जी अब चढ़ा लेंगे नॉन स्टिक तवा और इनको आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं घी में भी बना सकते हैं और ये सरसों का तेल मेरा जब गेट टुगेदर की पार्टी थी जो पूड़ियाँ बनी थी उसका जो ऑयल बचा हुआ था मैंने उसी में बनाया है तो ये बैटर अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा था बेटे का चीला बनाने के बाद मैंने पतला कर लिया था जब अपने लिए चीले बनाए थे बट अच्छा इससे भी बना था ऐसा नहीं है बट चीला जो होता है ना जितना पतला होगा कहते हैं उतना अच्छा लगता है बट मेरा तो मोटा इसलिए भी था क्योंकि इसमें वेजीज़ ऐड थी तो काफ़ी पतला हो गया था उसके बाद मैंने जब बेटे का चीला बन गया था उसके बाद उसमें पानी ऐड कर लिया था आ, दो तीन चम्मच आई थिंक चार पांच चम्मच किया होगा अच्छा खासा पतला हो गया था बैटर तो यहाँ पे ये फिर ऑयल डाल दिया था बैटर डालने के बाद नॉन स्टिक तवा है चिपकने का कोई झंझट है ही नहीं अब इसको पलट देंगे अब पलट के सीधे ही किनारी फिर रख गया तो मैंने भी टेंशन नहीं ली कोई बात नहीं पकेगा तो है ही अब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल और किनारी से डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पीछे से भी पक जाए बेटे ने एक चीले के लिए बोला था बट मैंने उसको दो पैक कर दिए थे वो फिनिश दोनों ही करके आया था क्योंकि पसंद बहुत ज़्यादा आए थे उसको तो ये निकाल लिया था बटर पेपर इसी में मुझे बेटे के चीले जो हैं वो पैक करने थे तो ये फिर छूट गया था फिर मैंने इसको दबा दबा के करछी से अच्छे से आ, सेंक लिया था और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर वगैरह बन के आया था कल जो फ़र्स्ट चीला ट्राई किया था वो हल्का सा जल गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इसलिए अंदाज़ा मुझे भी उतना ज़्यादा नहीं था तो एक चीला बन करके रेडी हो गया है और ये देखिए अब मैं कर लेती हूँ दूसरे चीले की तैयारी ये फटाफट से बेसन के घोल को मैंने फटाफट से फिर से एक बार से राउंड लगा दिया और ये डाल दिया बेसन आ... और अब इसमें इसको जैसे आ, मैंने देखा है टीवी में एग्स वगैरह नहीं बनाते तो इसी तरह से ऑमलेट जो बनाते हैं वो इसी तरह से फैलाते हैं और ये देखिए मैंने बढ़िया से इसको फैला लिया है गैस एक्चुअली बंद कर दी थी तवा मुझे बहुत ज़्यादा तेज लग रहा था इसलिए अब ये देखिए राउंड राउंड करके फिर मैंने किनारियों पे जो है ऑयल डाल दिया था अब ये चीला हो गया है इसको मैं फटाफट से फिर से पलट दूंगी फिर से पलटने के बाद और इसमें फिर से ऑयल लगा दूँगी बढ़िया सा और ये पीछे से भी सिक के तैयार हो जाएगा अच्छा ये थोड़ा सा मोटा रहता ना क्योंकि वेजीज वगैरह होती हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से दवा दबा कर आ, सेक लीजिएगा ये है सॉस के पाउचेस ये मैं हल्का सा कट लगा करके रख देती हूँ क्योंकि बेटा वहाँ पे खोलेगा तो मतलब ऐसे इजी नहीं होता है खोलना अगर एक कट लगा के रख दूँगी तो ये बॉक्स में फैलेगा भी नहीं और इजीली वो बच्चा उसको सॉस को निकाल भी पाएगा अब ये देखिए दोनों चीले मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं इस समय आई थिंक टाइम हो रहा था सात बज के दस मिनट आज मैं मॉर्निंग में बेटे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी क्योंकि चीला भी बनाना था फिर टेंशन थोड़ी कम थी तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग कर ही लेते हैं ये लीजिए मैंने पैक कर दिए हैं दोनों चीले बटर पेपर में रैप करके अच्छे से रख दिए थे तो और एक रख दी थी कैंडी जिससे बेटा बहुत खुश हो जाता है तो ये चीले की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुछ नई रेसिपी फिर लेकर आऊँगी तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों